सवाल में आपको दिया गया है कि आपके पास दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, अंदर वाले का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और बाहर वाले का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। आपसे इस सिस्टम का कैपेसिटेंस पूछा गया है दो केसेस में। एक केस है जिसमें हमने बाहर वाले स्फेयर को अर्थ किया है और दूसरे केस में हमने अंदर वाले स्फेयर को अर्थ किया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहूँगा कि कितने कैपेसिटेंस हैं। यहाँ पे आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक तो है इन दोनों के बीच में, दोनों स्फीयर्स के बीच में, इसको मैंने बोल दिया C1, और एक कैपेसिटर है आपका आउटर स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच में, इसको कह देते हैं C2। तो ये दो कैपेसिटर्स हैं आपके पास और इनके बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है तब जब बाहर वाला स्फीयर अर्थ है एक बार, और दूसरी बार तब जब अंदर वाला स्फीयर अर्थ है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस और इस आउटर स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच में कैपेसिटेंस C1 एंड C2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो आपका जो C1 आएगा, C1 कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, इसका फॉर्मूला होता है 4πkε0/1r1 - 1r2। यहां k क्या है, द डायलेक्ट्रिक जो कि दोनों स्फीयर्स के बीच में है, उस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विच इज गिवन 5। सो दिस इज इक्वल टू 4πε0 × k/1r1 - 1r2, 1/10 cm यानी कि 100/10 माइनस 1/12 cm मतलब 100/12। मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 m, 12 सेंटीमीटर मतलब 12/100 m। सो दिस इंप्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू 4πε0 × k = 5/, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 120 ऊपर आ गया और नीचे रह गया 100 × 12 - 10। सो दिस इज इक्वल टू 4πε0, ये 2 बचा, 2 से 12 कैंसिल कर दिया, 6 आ गया, यहां पर आपका 5 से 10 कैंसिल हुआ, 2 आचा, 2 और 6 कैंसिल होके बचा 3, 4πε0 × 3, ये आपका आ गया C1। तो अब मैं इस आउटर स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच में कैपेसिटेंस C2 निकाल लेता हूँ। C2 क्या होगा, देखिए इस आउटर स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है और सिंपल सा ये एक स्फीयर का कैपेसिटेंस हो जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है 4πε0r, और यहाँ पर रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 12/100 m। तो ये आपका C2 हो गया। इन दोनों की अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लूं तो क्या आएगी देखते हैं। 4πε0 मतलब 1/9 × 10⁻¹, 1/9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय 12/100, यहां रहा 3, यहां हो गया 4। दिस इज इक्वल टू 4/3 × 10⁻¹⁻, या 4/30 × 10⁻¹⁰. ये C2 है, और C1 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, मैग्नीट्यूड निकाल लूँ इसका, तो यह आ जाएगा 1/9 × 10⁹9
मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 से 9 क्या बचा 3, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, विच इज इक्वल टू, अगर 10 टू पावर माइनस 10 की टर्म्स से लिखूं तो 10 बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 फैरड। अब हम फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया। अगर हमने आउटर स्फीयर को अर्थ किया है तो हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से लगा हुआ है इसको समझते हैं। हमारा जो तीन प्लेट्स मिलकर ये दो कैपेसिटेंस बना रहे हैं वो है अंदर वाला स्फीयर का आउटर सरफेस, बाहर वाले स्फीयर का इनर सरफेस, बाहर वाले स्फीयर का आउटर सरफेस और इन्फिनिटी। तो जो C1 है उसका अंदर वाला प्लेट अलग है, पर जो बाहर वाला प्लेट है वो कनेक्टेड है आपका अर्थ से। मतलब इसके जो दो प्लेट्स हैं C1 के, एक अंदर वाले स्फीयर का आउटर सरफेस और बाहर वाले स्फीयर का इनर सरफेस, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं कि बाहर वाला सरफेस का जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है। मतलब इन दोनों का एक, इस कैपेसिटर का एक प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है, ये है आपका C1। और आपका जो C2 है वो कैसे कनेक्टेड है, C2 की एक प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है मतलब जीरो पोटेंशियल, और जो दूसरी प्लेट है वो इन्फिनिटी पर है मतलब उसका पोटेंशियल भी जीरो है। तो मैंने जीरो पोटेंशियल को फिर से अर्थ से कनेक्ट करके रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये दोनों तो अर्थ ही है इसलिए हम इसको सीधे सीधे ऐसे बना सकते हैं कि ये रहा आपका C1 और जो C2 है वो उसका दोनों प्लेट अर्थ से कनेक्टेड है, मतलब वो कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। सो इफेक्टिवली आपका C2 जो है वो शॉर्टेड है, इसलिए C2 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, C2 सर्किट में आएगा ही नहीं, आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा सीधे C1 के बराबर, विच इज इक्वल टू 10 बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 फैरड। सेकेंड केस का सर्किट थोड़ा अलग है। सेकेंड केस में आपकी अर्थिंग बाहर वाले स्फीयर को ना करके अंदर वाले स्फीयर का किया गया, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपका C1 का अंदर वाला प्लेट अर्थेड अर्थ किया हुआ है और ये कनेक्टेड है C2 से, क्योंकि एक प्लेट कॉमन है, देखिए C1 का एक प्लेट इज कॉमन विथ C2 का एक प्लेट, और ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है, सिंपली मैं इसके इस आउटर स्फीयर के इनर सरफेस और आउटर सरफेस को अलग अलग बना दे रहा हूं, एक को C1 में डाल दे रहा हूं, एक को C2 में डाल दे रहा हूं। तो यहां हो गया आपका C2। इस C2 का आउटर सरफेस कौन सा है, दूसरा प्लेट कौन सा है, इन्फिनिटी पर, उसका पोटेंशियल भी जीरो है इसलिए हम उसको अर्थ मान सकते हैं फिर से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पर हैं, इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको ऐसा ही बना सकते हैं C1, C2 और एक प्लेट दोनों की अर्थ। सो इफेक्टिवली ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में आ गए, तो आपका C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 प्लस C2। अब C1 है 10 बाय 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 और C2 है 4 बाय 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यू विल गेट 104 बाय 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 फैरड। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन दोनों स्फीयर्स के बीच का कैपेसिटेंस निकाल लिया C1। वो कैसे निकाला, हमारे पास फॉर्मूला है 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर1 माइनस 1 बाय आर2।
फिर हम लोगों ने इस आउटर स्फेयर और इन्फिनिटी के बीच का कैपेसिटेंस निकाल लिया। उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, उसको हमने सिंपल सा फॉर्मूला है, 4π εr, वो भी आ गया। उसके बाद हमें जब कहा गया कि हमने पहले बाहर वाले स्फेयर को अर्थ किया है, तो हमने बाहर वाले स्फेयर को अर्थ मानते हुए इसका सर्किट ड्रॉ किया। एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा कर दी इसमें अपनी तरफ से, कि जो C2 कैपेसिटर है उसका आउटर सरफेस, जो दूसरा वाला स्फेयर है वो है इनफाइनाइट रेडियस का, मतलब दूसरे वाले प्लेट का जो पोटेंशियल है वो 0। तो हमने दूसरे वाली प्लेट को भी अर्थ ही मान लिया, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 ही है, अर्थ का पोटेंशियल भी 0, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल भी 0, तो उस दूसरे वाले को अर्थ मान सकते हो। जैसे ही हमने दोनों को अर्थ मान लिया, तो इस C2 का दोनों साइड अर्थ, दोनों साइड पोटेंशियल 0 है। अगर दोनों साइड पोटेंशियल 0 है, तो इस C2 पे कोई चार्ज आएगा नहीं, जो भी चार्ज आएगा C1 पे आएगा, और इसलिए हमारा C इक्वेलेंट हो गया इतना, C1 के बराबर। सेकंड केस में हमें इनर स्फेयर को अर्थ करके दे रखा है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला C1 का एक प्लेट अर्थ है और C2 का दूसरा प्लेट अर्थ है, कॉमन प्लेट अर्थ नहीं किया हुआ है, तो हमने कॉमन प्लेट को अर्थ नहीं किया, अलग अलग प्लेट्स को अर्थ कर दिया। अब बोला दोनों अर्थ, मतलब जो C2 का जो प्लेट अर्थ है एक्चुअली इन्फिनिटी पे, इसलिए उसका पोटेंशियल 0 है, इसलिए हमने उसे अर्थ मान लिया है, अर्थ नहीं किया गया है, क्वेश्चन में अर्थिंग नहीं दी गई है, पर हमने क्या बोला, दूसरी प्लेट बहुत दूरी पर है, मतलब उसका पोटेंशियल 0 है, और उसका पोटेंशियल अगर 0 है तो उसको आप अर्थ मान सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरीके से सर्किट बनाया। फिर बोला जिन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल 0 है उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जब हमने इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट किया, तो हमने पाया कि हमारा जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर्स हैं, वो आपस में पैरेलल में है, तो इसलिए सी इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीधे सीधे दोनों कैपेसिटेंस का सम होगा, C1 + C2 होगा। और हमने इसको कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आ गया 104/30 × 10⁻¹⁰ F।